सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, इन नियमों को फॉलो करेंगे तभी LTA का लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। आप सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट, अवकाश यात्रा भत्ता या LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस का लाभ लेने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना जरूरी है। लीव ट्रैवल अलाउंस हवाई, ट्रेन या अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा के लिए किए गए खर्चों को कवर करता है, लेकिन रीएम्बर्समेंट असल में खर्च की गई राशि या नियोक्ता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार होती है। LTA नियम कई लोगों के लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं, खासकर जब इसमें हवाई यात्रा शामिल हो। इसमें लोगों के अक्सर कई सवाल रहते हैं, जैसे क्या LTA के लिए पात्र होने के लिए किसी विशेष वेबसाइट से अपनी फ्लाइट टिकट बुक करने की ज़रूरत है, क्या आपका परिवार LTA के लिए पात्र है, वहीं LTA का दावा करने के लिए आपको कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे। यहाँ हम आपको इन सभी बातों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। LTA का फायदा लेने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। जिन कर्मचारियों की सैलरी में LTA शामिल है वह यात्रा व्यय के उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(5) के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। कर्मचारी छुट्टी अवधि के दौरान स्वयं, अपने जीवन साथी और बच्चों पर किए गए यात्रा व्यय के लिए LTA का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता पिता, भाई और बहन भी पात्र हैं, लेकिन केवल तभी जब वे पूरी तरह या मुख्य रूप से वह कर्मचारी पर ही निर्भर हों। इसमें केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी LTA का दावा तभी कर सकता है जब उसने यात्रा की तिथि पर लगातार 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इसके अलावा हवाई यात्रा के हकदार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTA नियम उन लोगों से अलग है जो इसके हकदार नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भत्ते का दावा छुट्टी की किसी भी अवधि के दौरान किया जा सकता है, जिसमें आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक अवकाश शामिल हैं। निजी कर्मचारियों के लिए भी यही नियम लागू होगा। क्या हवाई टिकट के लिए LTA मिलता है? बता दें कि हवाई टिकट के लिए LTA मिलता है। LTA छूट का दावा किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियम हैं। यह छूट 4 कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में अधिकतम 2 यात्राओं के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में यह अवधि 2022 से 25 है। सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी यानी कि आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश सहित लेने की परमिशन है। रेल या हवाई यात्रा के लिए खर्च किया गया वास्तविक राशि या राष्ट्रीय वाहक के इकोनॉमिक किराए में से कम राशि, जो भी कम हो, वही राशि LTA के रूप में मिल सकती है। इन दस्तावेजों का रखें ध्यान। LTC का दावा करने के लिए फॉर्म 12B भरकर नियोक्ता को जमा करना होगा। वहीं हवाई टिकट और बोर्डिंग पास की कॉपी भी देनी होगी। इसमें कुछ कंपनियां एक तरफ की यात्रा के लिए LTA देती है, लेकिन पूरी टैक्स छूट नहीं मिल सकती है। कंपनी के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत होती है। नई टैक्स व्यवस्था में LTA छूट नहीं मिलती है, वहीं पुराने टैक्स व्यवस्था में ही LTA का फायदा मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।